और हजारीबाग मधुबन धर्मशाला में जेपी आंदोलनकारी का 50वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शिवानंद तिवारी एवं वरिष्ठ अतिथि भूतपूर्व मंत्री लालचंद महतो, समाज सेवी गिरजा प्रसाद, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव, गौतम सागर राणा, रामस्वरूप जैन सभी उपस्थित हैं और स्वर्गीय जेपी चित्र पर पुष्प अर्पित कर एक साथ में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिवानंद तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि 1974 में आंदोलनकारी को लेकर हम सब छात्र लोग उग्र प्रदर्शन किया और साथ ही में हम लोग जेल भी गए थे। जेल में करीब 1,00,000 युवा छात्र नेता लोगों को बंदी बनाया गया था। तब से लेकर आज भी उन आंदोलनकारियों को तहे दिल से नमन करते हैं और याद करते हैं। आज बहुत खुशी है कि हजारीबाग जिले में उनका 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तैयार करने में 50 वर्ष पूर्व और आज के दिन का एक अवलोकन मौजूद है और जो आज नहीं आ पाए हैं उनसे आग्रह होगा कि जो एक नई विचारधारा को उसी का ही 50वां वर्ष है, उसी की वर्षगांठ हजारीबाग में मनाएगा जी। आज के दौर में जो आंदोलन हुआ था उसकी कितनी प्रासंगिकता आप देखते हैं और उसका प्रभाव क्या है हजारीबाग में? जो उद्देश्य थे जयप्रकाश आंदोलन के उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है और इसमें कोई दुमत नहीं है कि जयप्रकाश जी के विचार और आज उनका समय जी। यहाँ के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? इस 50वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं लोक नारायण जयप्रकाश जी का। इस अवसर पर हमारे गार्जियन और सभी छात्र नेता माननीय शिवानंद तिवारी जी आए हैं, इनका मार्गदर्शन हम लोग को मिला है और इसमें निश्चित तौर पर नए नौजवान लोगों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए और जो समाज के जो कुरीतियाँ हैं और जो जो भी सरकार की जो भी गलतियाँ हैं उसको मतलब मिल बैठ कर के सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा, व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी देश और समाज और सबका कल्याण हो सकता है।